तो दोस्तों आज हम सबसे आसान तरीके से सीलिंग फैन इंस्टॉल करने वाले हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो बहुत सी भाई लोग कहेंगे कि सीलिंग फैन इंस्टॉल करना कौन सी बड़ी बात है, तो ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो नया इलेक्ट्रिशियन भाई काम कर रहे हैं वो कई कई जगह पे बहुत गलती कर देते हैं और ये वीडियो देखने के बाद उनका कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिशियन के बिना भी कोई भी आम आदमी इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ज्यादा कुछ टाइम वेस्ट ना करके तो चलिए इंस्टॉल करते हैं। फैन को इंस्टॉल करने से पहले इसका कुछ इंफॉर्मेशन को जान लेते हैं। ये फैन उषा ब्रांड का है और इसका मॉडल का नाम है रेसार अल्ट्रा हाई स्पीड 400 RPM। इस साइड पे किस किस कलर की फैन आता है यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि डीप ब्राउन, व्हाइट, वार्म व्हाइट, ब्लू, रेड, कुछ इस तरीके से कलर आता है। तो पहले फैन की ब्लेड को खोल लेते हैं। तो दोस्तों ये कंपनी बहुत ही पुराना कंपनी है और ये फैन हमारा यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा चलता है और इसकी पैकेजिंग भी आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है। ये आप देख सकते हैं नॉर्मल कलर है, डीप ब्राउन, और ब्लेड में आप देख सकते हैं ज़्यादा कुछ डिजाइन नहीं है, सिंपल है। और ब्लेड की मजबूती की बात करें तो ये ठीक ठाक है। तो चलिए इसकी मोटर को देख लेते हैं। इस मोटर की वाटेज के बारे में बात करें तो ये 78 वाट है और इसकी RPM है 400 और इसकी मॉडल नाम यहाँ पर लिखा हुआ है RSR और इसकी प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है 2475 रुपीज़, जो कि पूरी तरीके से गलत है। और ये फैन ओनली 1300 रुपीज़ में मिला है, मतलब सिर्फ 1300 रुपये में मिला है। तो चलिए मोटर का अनबॉक्सिंग करते हैं। तो पहला उसकी कैप निकल चुका है और बॉक्स में 2 कैप रहता है। उसके बाद है डंडी जिसके सारे फैन लटकेगा और ये रहा क्लैंप, ये बहुत अच्छी तरीके से पैकेजिंग में आया है क्योंकि अक्सर इसका नट पिन वगैरह गिर जाता है। ये रहा क्लैंप जो कि डंडी के ऊपर वाले हिस्से में लगेगा यहाँ पे, और ये रहा नट बोल्ट जो कि यहाँ पे नीचे में लगेगा मोटर की शेप के साथ। तो फाइनली ये रहा मोटर, इसको प्लास्टिक से निकाल लेते हैं। इसका पैकेजिंग कुछ खास नहीं है लेकिन हाँ मोटर ज़बरदस्त है, साथ में इसकी वारंटी कार्ड दिया हुआ है, करीब 2 साल तक मोटर में इसकी वारंटी रहता है। और ये रहा सिंपल डिजाइन का मोटर। फैन को फिटिंग करने से पहले इस तरीके से घुमा के देख लेना है क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट में आता है तो गिर मिर के आता है, इसलिए किसी किसी फैन में इस तरीके से दिक्कत आ जाता है कि फैन अटक अटक के घूमता है। तो मोटर को हम सबसे आसान तरीके से फिटिंग और कनेक्शन करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये रहा मोटर का कनेक्टर, ज़्यादातर 5 टर्मिनल का होता है। इस साइड पे 3 टर्मिनल पे कोयल और कंडेंसर का कनेक्शन किया हुआ रहता है, इसको आपको छेड़ना नहीं है। और इसका जो राइट साइड में 2 टर्मिनल दिख रहे हैं, इसमें आपको फेज और न्यूट्रल 2 इनपुट कनेक्शन देना है। और इस साइड पे बीच में ये वाला कनेक्शन खाली रहेगा क्योंकि ये कंडेंसर का लाइन है। तो चलिए इसको कनेक्शन कर लेते हैं। और यहाँ पे कोयल की शेप में यहाँ पे एक्स्ट्रा एक स्क्रू दिया हुआ है सेफ्टी के लिए, तो पहले इसको खोल लेते हैं। और यहाँ पे कनेक्शन के लिए किसी भी कलर की 2 वायर ले लेना है और वायर को फैन की पाइप में डालने से पहले ये 2 कैप लगा देना है, क्योंकि पहले आप वायर डाल देंगे तो 1 कैप को बाद में लगा नहीं पाएंगे। उसके बाद पाइप को आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, जिस साइड में 2 काटा हुआ हिस्सा रहता है वो नीचे मोटर की साइड में रहना चाहिए। इसको आप ऊपर नीचे कर देंगे तो फैन अच्छी तरीके से टाइट नहीं लेगा और घूमने के टाइम में बाउंसिंग करेगा या हिलने लगेगा। फिर कैप में उषा ब्रांड के नाम को सीधा रखते हुए इस तरीके से पाइप में डाल लेंगे, ऊपर वाली कैप को ऊपर की साइड से और नीचे वाली कैप को नीचे की साइड से डाल लेंगे। उसके बाद ये 2 वायर को इस तरीके से कुछ ज़्यादा ही छील लेंगे क्योंकि ये हमको फैन की पाइप में वायर को डालने के लिए काम आएगा। तो दोनों वायर को एक साथ ट्विस्ट करके कुछ इस तरीके से पाइप में डाल देना है, जिस साइड में पाइप को काट किया हुआ नहीं है उस साइड से ही डालना है। और पाइप की इस तरफ वायर निकलने के बाद छिला हुआ वायर को पाइप के काट से थ्रू इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके होल की तरफ ले जाना है वायर को। उसके बाद ये फैन की पाइप को फैन की मोटर के साथ अच्छी तरीके से कस लेना है। उसके बाद सभी नट बोल्ट की होल को मेजरमेंट करके फैन की पाइप को डालना है। तो सबसे पहले मोटर की सेम में जो एक्स्ट्रा मजबूती या एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए स्क्रू दिया हुआ है इसको पहले टाइट करेंगे, उसके बाद नट बोल्ट को टाइट करेंगे क्योंकि इस स्क्रू का एक्यूरेसी ज़्यादा होता है। पहले आप नट बोल्ट को लगा देंगे तो इस स्क्रू को लगाने के लिए बहुत ही दिक्कत आएगा आपको। नट बोल्ट में सेफ्टी का पिन को पहले खोल के नट बोल्ट को खोल लेंगे, बाद में सेफ्टी पिन को लगाना मत भूलना क्योंकि यही सबसे ज़रूरी काम होता है। पहले ये 2 वाशर को निकाल लेंगे, उसके बाद बोल्ट को डालने के बाद 2 वाशर को लगा के 2 नट को टाइट करेंगे। उसके बाद प्लायर या प्लास की मदद से फुल टाइट कर लेना है, थोड़ी भी लूज रहेगा तो आपका फैन घट घट करके आवाज़ करेगा और हिलने लगेगा, इसलिए टाइट का कोई कंजूसी नहीं है। उसके बाद सेफ्टी पिन को लगाना मत भूलना। उसके बाद ज़्यादा छिला हुआ वायर को थोड़ी थोड़ी कट कर लेंगे। उसके बाद आप 2 वायर को इस तरीके से ट्विस्ट कर लेना है, ट्विस्ट कर लेना जरूरी होता है क्योंकि इसमें वायर को नट बोल्ट के साथ अच्छी तरीके से कस सकते हैं और इसमें लूज नहीं रहेगा तो आपका कनेक्टर में स्पार्किंग नहीं होगा और मोटर लॉन्ग लाइफ तक चलेगा। इस कनेक्टर में राइट साइड का 2 पिन पे 2 वायर को इस तरीके से कस लेंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे कनेक्टर में सारे वायर को अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ कनेक्शन कर लिए हैं। ये राइट साइड में ये दो हमारा इनपुट वायर है और ये लेफ्ट साइड में ये तीन कोयल की वायर है। तो इस तरीके से आपको भी कनेक्शन कर लेना है। उसके बाद ये जो हमारा सेफ्टी स्क्रू रहेगा था इसको भी हम अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। नेक्स्ट कैप को डाउन कर लेंगे। उसके बाद फैन की ब्लेड को लगाने के लिए ये जो एक साथ दो स्क्रू रहता है इसको ही ओपन कर लेंगे। ये जो सिंगल एक स्क्रू रहता है इसको मत खोलना, ये कोयल का स्क्रू है, इसको खोल लेंगे तो आपका कोयल भी खुल जाएगा। इस फैन में यहाँ पे डोन रिमूवल पेपर की वाशर नहीं है, इसलिए बिना वाशर की ब्लेड को इस तरीके से बिठा के दोनों स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, जो जो भाई लोग इस चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत से भाई लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो इसी तरीके से तीनों ब्लेड को मजबूती से टाइट कर लेंगे। तो फाइनली ये हमारा सभी फैन की पार्ट्स को फिटिंग करना कंप्लीट हो चुका है। फिर आप रूम की सीलिंग का फिटिंग करने के लिए इस क्लैंप का ऊपर वाले नट बोल्ट को भी खोल सकते हैं या नीचे वाले नट बोल्ट खोल के भी फिटिंग कर सकते हैं। तो सीलिंग में कुछ इस तरीके से नट बोल्ट को लगा के अच्छी तरीके से प्लायर या प्लास की मदद से टाइट कर लेंगे। और हाँ, फैन फिटिंग करने के टाइम में किसी भी नट बोल्ट में आपको लूज नहीं रखना है, फुल टाइट करना है। और यहाँ पे छत की वायरिंग की पाइप में दो वायर निकला हुआ है, एक फेज और एक न्यूट्रल। और यहाँ पे हम बॉडी आर्थ का वायर नहीं दिए हैं, आप चाहें तो दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम वायरिंग का एक्स्ट्रा वायर को काट के यानी कि फेज न्यूट्रल दो वायर के साथ वायरिंग की फेज न्यूट्रल दो वायर को एक साथ कनेक्शन कर लेंगे। फिर प्लस की मदद से इस तरीके से टाइट कर लेना है जॉइंट को। फिर आखिर में दोनों वायर की जॉइंट में ब्लैक टेप को अच्छी तरीके से मार लेना है। तो दोस्तों, बहुत से भाई लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, दोनों जॉइंट को यहीं पे छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इस तरीके से दोनों जॉइंट को पाइप के अंदर डाल देना है, जो छत में वायरिंग की पीवीसी पाइप है ना उसके अंदर। तो चलिए दोस्तों, फैन की स्विच को ऑन करके देख लेते हैं हमारा कनेक्शन और फिटिंग सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फैन हमारा घूम चुका है। तो इसकी स्पीड को कम और ज़्यादा करके देख लेते हैं, सही से हमारा रेगुलेटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ ठीक ठाक है। तो मिलते हैं अगले एक वीडियो में।